हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशंस के लिए। 5 को आपका एग्जामिनेशन है और फाइनली द डेस्टिनेशन जिसके लिए आपको जाना है, जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे इतना सब कुछ, वो आने ही वाला है। चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th RBSE, और साथ के साथ हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 जो था इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, उसमें एक छोटा सा पार्ट है हाउ योगा हेल्प्स, उसके बारे में। टिमोथी बर्जिन जो इसके राइटर हैं वो ये लिखते हैं कि योगा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी कला है, लाइक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है। वो हर एक चीज को, हर एक बीमारी को अपने थ्रू हील कर सकती है। तो ये योगा है वो कैसे हील करती है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन में सबसे पहले टिमोथी बर्जिन जो है वो ऐसा लिखते हैं कि इंडिया ने बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को और योगा भी इंडिया की ही एक देन है। तो इस योगा ने किस किस तरीके से, किस किस तरीके से बीमारी को हील करना शुरू किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि आज के टाइम में इतनी सारी बीमारियां हैं जो योगा से हील हो रही है, जिसमें स्पेशली उन्होंने नाम लिया है वो है कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसके थ्रू किस हमारी जो योगा है वो उसको हील कर सकती है। इसी चीज को वो ये लिखते हैं कि ढेर सारे डिजीजेज जो है उसको हील करने के लिए योगा का हम यूज करते हैं और करंटली पूरा वर्ल्ड जो है उसको यूज कर रहा है। साथ के साथ उन्होंने बताया कि आज के टाइम में योगा का जो नॉलेज है वो हमारे पास पूरा, मतलब हम लोग उसका शायद 10% ही यूज कर पा रहे, पूरा नॉलेज अभी भी यूज नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने ये बोला है कि 90% बीमारियां जो है वो सिर्फ स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग में टेंशन है, डिजीज जो है उस टेंशन का या उस स्ट्रेस का एक नतीजा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती जा रही हैं और ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ये सब देखने के लिए उन्होंने दूसरी तरफ बताया कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब होता है या तो उससे लड़ना है या फिर भाग जाना है। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो होता है ये दिमाग में बार बार आने लगता है। ये रिस्पॉन्स दिमाग में बार बार जब आता है तब दिमाग का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्सेसिवली यूज करना शुरू हो जाता है। लाइक ऐसा समझिए कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू होता है और वो एक्सेस में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उससे जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ जाता है या फिर एक्सेस हो जाता है, अपनी नॉर्मल जो रेट है उससे अगर बढ़ जाता है, जनरली तो ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, मेंटेन एंड एक्टिवेट द हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी में जितनी भी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको मेंटेन करके रखता है, एक्टिवेट करके रखता है। पर जब ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जब बढ़ता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी हाई लेवल पे वर्क करने लगता है, उससे बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ हार्ट रेट बढ़ जाती है। और इनके बढ़ने की वजह से बीमारी में स्ट्रोक लग सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर ब्लड के थ्रू जो क्लोटिंग हो जाती है ब्रेन में वो हो सकती है। तो इससे बहुत सारी बीमारी आपको हो सकती है, इसलिए बताया गया है कि आपको इसको कम करना चाहिए, जो आपका स्ट्रेस लेवल उसको कम करना चाहिए। इसके थ्रू उन्होंने ये भी बताया कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं रह पाता है, उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन जो प्रॉपर नहीं रहता तो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो गया, ये बस बहुत सारी चीज उन्होंने बताई है कि ये सारी चीजें इसकी वजह से होने लगती हैं। फिर उन्होंने बताया कि कॉर्टिसोल हार्मोन इनसे भी सीक्रेट होता है। जो हम लोग नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे वहां पे एक बहुत बड़ा हार्मोन का कंसेप्ट दिया गया, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल एक्चुअली एक्टिवेटेड्स या मेंटेन्स एंड एक्टिवेट द हेल्दी बॉडीज ऑल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज बॉडी में होती है उन सबको रेगुलेट और मेंटेन करने का काम जो है वो कौन करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। पर जब ये एक्सेसिवली रिलीज हो जाता है तो ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, उसके बाद मूड चेंजिंग होने लगता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आने लगती है, अनिद्रा आ जाती है, मतलब नींद नहीं आ पाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगती है, भूख की कमी हो जाती है, तो इस बहुत सारी चीज प्रॉब्लम्स से होने लगती है। पर अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ एक और सिस्टम होता है हमारा, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये जो है वो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करता है, या फिर यूं समझो कि उसको कंट्रोल करने के लिए ये यहां पर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होने लगता है। और ये चीज जब डेवलप होती है, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो है ये जब एक्टिवेट होता है, ये जब मेंटेन करना शुरू करता है, ये जब वर्क करना शुरू करता है तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द रिलैक्सेशन, ये बॉडी में रिलैक्सेशन जो है ना कंप्रेस उसको लेके आता है। इसको लाने के लिए, इस चीज को, इस वी कैन से नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए काम आता है। ये रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज जो है ना उसके लिए वर्क करता है। रेस्ट एंड रिन्यू का मतलब ये होता है कि बॉडी को रेस्ट दी जाए और रेस्ट देने के बाद बॉडी वापस से हर चीज के ऊपर रिन्यू हो जाती है, वो एनर्जी को रिन्यू कर लेती है, हमारी बॉडी को रिचार्ज कर लेती है। तो वो जो कंसेप्ट है उसको अपन बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जस्ट उल्टा है,
फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का जस्ट उल्टा जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जो आता है रेस्ट एंड रिन्यू जो कंसेप्ट है उसके थ्रू। योगा जो है बहुत बहुत बड़े लेवल पे वर्क करता है। योगा जो है सबसे पहले उसमें कंसेप्ट होता है डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन। योगा आपको सिखाता है कि आपको लंबी ब्रीथ लेनी चाहिए, डीप ब्रीथ लेनी चाहिए, जिसके थ्रू बॉडी क्या होती है धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती है। योगा एक्टिवेट करता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए योगा करना होता है आपको। योगा करने के बाद ये जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने से हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होने लगता है, हमारी टेंशन कम होने लगती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो कंट्रोल होने लगता है और एक्टिवेट होने लगता है प्रॉपर तरीके से। इम्यूनिटी लेवल इंप्रूव हो जाता है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स रिस्पॉन्सेस बढ़ जाते हैं हमारे, बॉडी और ज्यादा हेल्दियर हो जाती है और एक लाइफस्टाइल जो होती है हमारी हेल्दियर लाइफस्टाइल होने लगती है। अगर हम लोग योगा की बात करते हैं, योगा हम लोग रेगुलर बेसिस पे करने लगते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन हमारी बॉडी में और हमारे डेली लाइफ में बढ़ जाता है। योगा जो है सिर्फ एक थेरेपी नहीं है, योगा सिर्फ एक बीमारी का एक सिंपल सा कंसेप्ट नहीं है, वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो योगा अगर आप डेली करते हैं तो योगा करने से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी और हेल्दी होने के साथ साथ यू कैन कनेक्ट टू दी गॉड डायरेक्टली। तो योगा को बहुत बड़े लेवल पे पिछले ऋषि हमारे जो इंडिया में ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया था, कई साइंटिस्ट ने बताया और आज भी हम योगा को मानते हैं कि योगा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के बाद बॉडी को तो आप हेल्दी रख ही सकते हैं, साथ के साथ बॉडी में कुछ ना हो या अपनी आयु को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप योगा का यूज कर सकते हैं। तो योगा इस दुनिया को इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा वरदान है, इंडियाज गिफ्ट टू दी वर्ल्ड है और टिमोथी बर्जिन जो है इन्होंने भी माना है कि इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा कोई गिफ्ट अगर हो सकता है तो वो है योगा। तो कैसा लगा आपका ये चैप्टर लिख के जरूर बताएं और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूं आपके लिए और वो रहेगा नोट मेकिंग के ऊपर। चलिए बाय।